हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएम। आप सबको पता है कि हम बायोलॉजी की क्लास चला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बायोलॉजी का हमारा एक लेक्चर न्यूट्रिएंट्स अपलोड हो चुका है, ठीक है। दूसरा लेक्चर आज हम देखते हैं यहाँ पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने कवर करी थी, ठीक है। आज क्या करेंगे हम, पहले तो हम देखेंगे कि टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और नीड क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो नीड ऑफ न्यूट्रिशंस और टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस हम आज फिर से डिटेल में देखते हैं, ठीक है। भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, और यहाँ पर अगर सबसे पहले देखा जाए तो न्यूट्रिशंस पोषक पदार्थों की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो क्यों जरूरत पड़ती है, फॉर एनर्जी, किसके लिए, ऊर्जा के लिए, फॉर एनर्जी, क्या लिखो गया, ऊर्जा के लिए या ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों है, फॉर एनर्जी। सेकंड पॉइंट अगर आप देखते हो कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, तो फॉर ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड आपने देखा क्या, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि एंड विकास के लिए, किसकी वृद्धि एंड विकास के लिए, ऑफ बॉडी, ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशंस की जरूरत है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं, डेली रूटीन एक्टिविटी, ठीक है, डेली रूटीन एक्टिविटी, दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए। तो आपने क्या देखा, नीड ऑफ न्यूट्रिशंस या नीड ऑफ फूड हमें क्यों होता है, ठीक है, फॉर एनर्जी, ऊर्जा पाने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, और डेली एक्टिविटी कर पाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप पर। आपने देखा होगा कि हमने वहां पर जो टाइप डिस्कस किया था वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, ठीक है, थे रिक्वायरमेंट के आधार पर। यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस वो है जो हमें फूड में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस में जैसे विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट से, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला इसको याद रखने का तरीका है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस कितने होते हैं, यहाँ पर सेवन होते हैं। सेवन होते हैं, उनको आप याद कैसे रखोगे, तो आप बोलते क्या हो, सीआरपीएफ, यानी सीआरपीएफ क्या है, पुलिस फोर्स होता है, तो आपको सीआरपीएफ ना बोलकर आपको क्या बोलना है, सीपीएफएफ, क्या बोलना है, सीपीएफएफ, उसके साथ ही आपको क्या बोलना है, सीपीएफएफ के बाद वीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, सीपीएफएफ वीएमडब्ल्यू। तो सी का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पी का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन। एफ का मतलब क्या हो गया, फैट। फैट मीन्स क्या होता है, वसा, क्या होता है, वसा, ठीक है। नेक्स्ट एफ मीन्स फाइबर, फाइबर, फाइबर का मतलब क्या होता है, रेशा, ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खनिज, ठीक है। वाटर, वाटर को मतलब जल, ठीक है। तो ये बेसिक सेवन टाइप है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है डे बाय डे खाने के लिए, ठीक है। तो इनमें से हमको क्या चाहिए, कुछ जो होते हैं बैलेंस डाइट, कुछ ज्यादा मात्रा में जरूरत होते हैं, कुछ कम मात्रा में जरूरत होती है, बट इन्हें हमें डेली अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो हम वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि पोषक पदार्थ होता है, लेकिन ये जो पोषक पदार्थ है ये बनता किससे है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो कार्बनिक यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने हुए कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ। किस अनुपात में मिलाया जाता है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं इसका, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लिखकर क्या करना है, सी एन एच टू एन ओ एन, ठीक है, सी एन एच टू एन ओ एन, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो सी एच टू ओ होल एन,
अब यहाँ पर आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हो कितना है, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 1। अब आपने डिफिनेशन में क्या देखा था, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाने पर बने हुए कार्बनिक यौगिक को क्या कहा जा रहा था, कार्बोहाइड्रेट कहा जा रहा था। ओके, तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट किस अनुपात में, किस निश्चित अनुपात में मिले हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको याद रखना है 1:2:1 होता है। कितना होता है, 1:2:1 होता है। तो ये पॉइंट आप नोट करो। ठीक है, ये हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद सोर्सेज हम देखते हैं, सोर्सेज। ठीक है, यानी कि स्रोत कहाँ से ये मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। अगर आप देखते हो तो कार्बोहाइड्रेट हमें कई चीजों से मिलता है। सबसे पहला हम अगर इसका सोर्स लेते हैं तो क्या है, ग्रेन। ग्रेन हो गया, ग्रेन का मतलब क्या, अनाज। ठीक है, अनाज जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, कई चीजों से मिलता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम किसमें मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें मिलता है। ठीक है, अनाज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, तो राइस यानी कि चावल में सबसे ज्यादा होता है। किसमें सबसे ज्यादा होता है, राइस यानी कि चावल में सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखते हो वेजिटेबल्स की, ठीक है, वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, सब्जियां। ठीक है, तो सब्जियों में सबसे ज्यादा किसमें होता है, आलू में। किसमें होता है, आलू में होता है, पोटैटो। ठीक है, थर्ड है आपका फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स अगर आपसे पूछता है यानी कि सबसे ज्यादा किस फल में होता है, सबसे ज्यादा किस फल में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, केला। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्वीट, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई में होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, गुड़। क्या होगा, गुड़, इसको जैगरी बोलते हैं, जैगरी। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अगर आप सोर्सेस की बात करते हो तो अनाज में सबसे ज्यादा चावल में, वेजिटेबल्स की बात करोगे तो सबसे ज्यादा आलू में, फ्रूट्स में बात करोगे तो सबसे ज्यादा केले में, और स्वीट में बात करोगे तो सबसे ज्यादा गुड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लो, नोट कर लिया होगा आपने। सोर्सेज के बाद हम क्या देखेंगे, फंक्शन। क्या देखेंगे, फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, कार्य में देखोगे तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है, प्रोवाइड अस एनर्जी। हमें क्या देता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कार्य में तो सबसे पहला इसका कार्य क्या है कि ये हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो जंतु होते हैं यानी कि एनिमल होते हैं, तो जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। क्या करता है, जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो विटामिन सी का निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण करता है। फोर्थ पॉइंट है आपका न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फंक्शंस या कार्य क्या देखा आपने कार्बोहाइड्रेट के, कि ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण कर रहा है, विटामिन सी का निर्माण कर रहा है, और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण कर रहा है। प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आउटर स्केलेटन ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ओके, क्लियर हो गया। नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर टाइप की बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है, यानी कि साधारण या सामान्य। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, सामान्य कार्बोहाइड्रेट। अब सामान्य कार्बोहाइड्रेट भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें, मोनो सैकेराइड
एंड डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पॉलीसैकेराइड, क्या हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको एज इट इज लिखना है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। यहां पर हो जाएगा डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड, क्लियर हो, ठीक है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपका फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, किसमें, मोनो एंड डाइसैकेराइड में, और कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है पॉलीसैकेराइड में हो जाता है। अब यहां पर मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि एक, डाई का मतलब क्या होता है दो, और पॉली का मतलब क्या होता है बहु यानी कि मेनी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर, यहां पर शुगर के, शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वन मॉलिक्यूल्स हैं, कितने, वन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, ठीक है। और मोनोसैकेराइड है तो शुगर यानी ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल्स होंगे, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है तो यहाँ पर ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और अगर पॉलीसैकेराइड है तो यहाँ पर 10 और मोर देन 10, ठीक है, मोर देन 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, मोनो का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब ग्लूकोज का एक अणु, डाई का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज के टू मॉलिक्यूल्स, और पॉली का मतलब हुआ यहाँ पर ग्लूकोज के 10 और 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, समझ आया, नोट करो आप इसे। अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में आपने क्या देखा, ग्लूकोज के एक अणु पाए जाते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है, मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल याद रखना है तो इसके एग्जांपल्स कितने होते हैं, तीन होते हैं, इसके एग्जांपल कितने होते हैं, तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट आपका क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहां पर पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, कहां पर, रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है क्या, ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड है आपका यहां पर क्या, गैलेक्टोज, 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 गैलेक्टोज भी क्या है, ग्लूकोज ही है एक तरीके का, लेकिन ये किसमें पाया जाता है, मिल्क में, मिल्क में यानी कि दूध में पाया जाता है गैलेक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो ब्लड में पाया जा रहा है, गैलेक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क में पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रक्टोज, क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है, जो आपको कहां से मिलता है, फ्लावर जूस से मिलता है, कहां से, फ्लावर जूस से यानी कि फूल के रसों से मिलता है, कहां से, फूल के रस से मिलता है। या क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि फूल के रस में कौन सी शर्करा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है। इस पर एक पॉइंट आपको और नोट करना है कि सबसे मीठी शर्करा होती है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है, या सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज ही होता है, ठीक है। लाइक शहद, ठीक है, हनी, हनी अगर आप देखते हो तो कहां से बनता है, फ्लावर जूस से बनता है, ठीक है, नोट करो आप इसे। नोट हो गया, ओके। अब हम यहां पर मोनोसैकेराइड तो पढ़ लिए कि थ्री एग्जांपल्स हैं इसके, अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड, क्या पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, अब डाइसैकेराइड में मैंने क्या बताया था, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दो अणु, ठीक है, शुगर यानी कि ग्लूकोज के, ग्लूकोज के दो अणु प्रेजेंट होते हैं। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला याद रखना आपको, C12H22O11, क्या होता है, C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है किसका, डाइसैकेराइड का, ठीक है। डाइसैकेराइड का मतलब दो
ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है क्या क्या होता है, तो सबसे पहला याद रखना है सुक्रोज। क्या याद रखना है? सुक्रोज, जो किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है। किसमें? गन्ने में, सुगर केन में, ठीक है, सुगर केन। सुगर केन में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सुक्रोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। अब माल्टोज जो है ये किसमें पाई जाती है? तो अंकुरित बीज में, अंकुरित बीज में, यानी स्प्राउट सीड्स, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या देखा? सुक्रोज गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है, माल्टोज स्प्राउट सीड यानी अंकुरित बीज में पाई जाने वाली शर्करा है। इसका मतलब समझो, जब आप भीगे हुए चने या भीगे हुए मूंग खाते हो तो आपको वो थोड़ा सा मीठा लगता है, तो वो जो मिठास है उसमें वो क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? माल्टोज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? ये मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा है। किसमें पाई जाती है? मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है। अब ये सुक्रोज मैंने कहा आपसे दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो सुक्रोज का मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रेक्टोज। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया फ्रेक्टोज, एक ग्लूकोज का वो भी एक मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब अगर आप माल्टोज की बात करते हो तो माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल्स हो गए। लैक्टोज की बात करोगे तो लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज, ये भी क्या है? ग्लूकोज है। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डाइसैकेराइड समझ आ गया होगा, दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला C12H22O11 टाइप्स एग्जाम्पल्स, थ्री एग्जाम्पल्स, सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज, ओके, नोट डाउन। डाई हो गया, अब हम देखते हैं क्या पॉलीसेकेराइड, 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 ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना है आपको? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में ग्लूकोज के 10 या 10 से अधिक, 10 से अधिक अणु होते हैं, ठीक है, किसके? ग्लूकोज या शुगर के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका एग्जांपल याद रखना है, तो इसका एग्जांपल क्या होता है? स्टार्च। सबसे पहला क्या होगा? स्टार्च, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की अगर आप बात करते हो तो क्या होगा यहाँ पर? ग्लाइकोजन। क्या होगा? ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा? सेलुलोज, सेलुलोज, ओके। स्टार्च क्या है? आपने आलू देखा है, जब आलू खराब होने लगती है आप आलू को ऐसे तोड़ते हो तो आप देखते हो उसमें रेसे निकलते हैं, वो क्या है? स्टार्च है। केला आप ओपन करते हो, ऐसे केला आप तोड़कर देखते हो तो उसमें भी आपको क्या दिखता है? स्टार्च दिखता है। यानी कि आलू, ठीक है, चावल, केला, इन सब में जो शर्करा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो क्या है? स्टार्च है, ठीक है। सेम ऐसे ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजन किसमें पाई जाने वाली? जंतुओं में, यानी कि एनिमल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ग्लाइकोजन होता है। और पादप यानी कि प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो यहाँ पर सेलुलोज होता है। सेलुलोज होता क्या है? जो प्लांट की सेलवॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का डाइजेशन हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये केवल प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट का कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेलुलोज। एनिमल्स का कार्बोहाइड्रेट क्या है? जंतु। और चावल आलू में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च। क्लियर हुआ? ये किसके एग्जांपल्स हो गए? पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्या होता है? C6H10O5n, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स पता नहीं है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 या 10 से ज्यादा हो सकते हैं, तो एन हम लेकर वहां पर इंक्लूड करके कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हो गया किसके लिए? डाइसेकेराइड के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट आपका इतना ही होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का अगर एक पॉइंट और याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है?
तो आपको याद रखना है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कितना मिलता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। सेकेंड पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो फैट का होगा। फैट का मतलब क्या होता है, वसा। वसा मतलब जो भी आपकी ऑयली चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड हमने क्या लिखा था, वसा यानी कि फैट। फैट का मतलब क्या हो गया, ऑयली। ठीक है, ऑयली थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखते हो तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है C57H110O6। ये किसका फॉर्मूला है, फैट का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से बन रहा है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से फैट भी बन रहा है। तो ये हो गया बेसिक इसका फॉर्मूला। अब अगर आपसे फंक्शन पूछा जाता है, कार्य, ठीक है, कार्य पूछा जाएगा आपसे कि वसा का कार्य क्या होता है, तो वसा का कार्य भी क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। वसा भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, क्या करता है, ये हमें एनर्जी देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये क्या करता है, थर्मल आइसोलेशन का काम करता है। थर्मल आइसोलेशन का काम करता है यानी ताप रोधन का काम करता है। ताप रोधक का काम करता है, ओके, थर्मल आइसोलेशन का काम करता है। गिव्स अस एनर्जी एंड वर्क एज थर्मल आइसोलेशन, ऊर्जा प्रदान करता है और ताप रोधक का काम करता है। ये हो गया किसका, फैट का फंक्शन हो गया। ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन अगर 1 ग्राम फैट की बात की जाए, 1 ग्राम फैट की बात की जाए, तो 1 ग्राम फैट हमको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है 1 ग्राम फैट, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो सेम क्वांटिटी आप ले रहे हो, लेकिन ज्यादा आपको एनर्जी कौन दे दे रहा है, फैट दे रहा है। ओके, फंक्शन कंप्लीट होता है। सोर्सेस देखते हैं इसके, स्रोत यानी कि ये हमें मिलता कहां से है, सोर्सेस। ठीक है, फैट के सोर्सेस क्या है, प्लांट सोर्स है, दूसरा क्या है, एनिमल सोर्स है, यानी कुछ पादप स्रोत है जो हमको कहां से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। क्या है, प्लांट सोर्स है, जो कहां से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे आप बोलते हो मूंगफली, मूंगफली, ठीक है, सबसे ज्यादा फैट होता है मूंगफली में। ओके, मूंगफली, देन आपने यहां पर देखा कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तो ये सब क्या है, प्लांट सोर्स, यानी कि प्लांट से मिल रहे हैं। सेम ऐसे ही आप देखोगे एनिमल सोर्सेज में, घी हो गया, बटर हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई, ओके, तो ये सब क्या है, एनिमल सोर्सेज हैं। क्लियर हुआ, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, मूंगफली, नारियल, सरसों का तेल, घी, बटर, मटन, मछली, ये सब क्या हो गए, सोर्सेज हो गए फैट के, जहां से हमको ये फैट मिलता है। अब आता है टाइप, क्या हो गया, टाइप यानी कि प्रकार, कितने प्रकार का होता है फैट, फैट कितने प्रकार का होता है। फैट कितने प्रकार का होता है, फैट दो प्रकार का होता है, टू टाइप होता है इसका, कौन कौन सा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त असंतृप्त। क्लियर, कितने टाइप का होता है फैट, टू टाइप का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त असंतृप्त। इसमें अगर आप देखते हो कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग होती है, यहां पर कार्बन की बॉन्डिंग क्या होगी, डबल बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन के सब एटम के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये कुछ ही के साथ रिएक्शन करते हैं।
ठीक है, ये हो गया इनका फॉर्मूला, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अब सेकेंड पॉइंट अगर आप देखते हो यहाँ पर, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, ये कैसा होता है आपका, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड, ये लिक्विड स्टेट में होता है। ये कहाँ से मिलता है हमें, ये हमें मिलता है एनिमल से, ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, कहाँ से, पेड़ पौधों से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है। फोर्थ पॉइंट, अब ये एनिमल से मिल रहा है तो आप क्या देखते हो यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, घी, बटर, घी बटर कैसे होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं, जमे होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये जमे हुए होते हैं, घी हो गया, बटर हो गया। लेकिन अगर यहीं पर आप देखते हो, इसका एक अपवाद है, अपवाद इसका क्या है, इसका अपवाद ये है, नारियल, सॉरी कॉड फिश ऑयल, कॉड फिश ऑयल, कॉड फिश यानी कि एक तरह की मछली है ये, इसके लीवर से जो तेल निकलता है, इसके यकृत से तेल निकलता है, वो क्या होता है, वो जमता नहीं है, वो ठोस अवस्था में नहीं होता, वो लिक्विड में होता है, इसलिए इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। प्लांट सोर्स से है, दैट मीन्स यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एक्सेप्शन की बात करोगे, अपवाद आपका क्या हो जाएगा, नारियल का तेल, ठीक है। नारियल तेल क्या है आपका, प्लांट से मिलता है, बट ठंडी के टाइम पर क्या होता है, विंटर में ये क्या होता है, ठोस अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि ये जम जाते हैं, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। क्लियर हुआ, पहला कार्बन बॉन्डिंग सिंगल, कार्बन बॉन्डिंग डबल, सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, ये आपको कहां से मिलता है, जंतु से, ये कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से, इसका एग्जाम्पल हो गया घी, बटर, कॉड फिश, इसका एग्जाम्पल हो गया सरसों का तेल, नारियल का तेल, एक्सेट्रा। यहां पर अपवाद क्या है, कॉड फिश ऑयल, जो कि क्या होता है, कभी भी सॉलिड अवस्था में नहीं होता है, यहां पर है नारियल का तेल, जो कि क्या होता है, विंटर में वो जम जाता है। ये इतने डिफरेंसेस आपने देखे, लास्ट डिफरेंस ये है, ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, क्या होता है, हार्मफुल होता है, यानी कि नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक होता है, और ये क्या होता है, हार्मलेस होता है, यानी कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट को खाना चाहिए और सैचुरेटेड फैट का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर क्या होता है, ज्यादा आप अगर सैचुरेटेड फूड लेते हो तो ज्यादा सैचुरेटेड फूड लेने से आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकती है, या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है ज्यादा सैचुरेटेड फूड खाने से, ठीक है। तो आपके लिए बेटर क्या होगा, आप अनसैचुरेटेड का यूज करें। तो यहां पर आप देख रहे हो फैट भी आपका खत्म होता है, इसमें एक प्रोसेस है अभी वो देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। क्या होता है यह प्रोसेस, वेजिटेबल, ऑयल को निकिल की उपस्थिति में, रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस के डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाया जाता है वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजन के साथ। निकिल यहां पर क्या काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, किसका, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। वेजिटेबल ऑयल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल को 150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक
हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में गर्म करने से वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यहाँ पर निकिल क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते समय किस टाइप के उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो निकिल का यूज किया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब यहाँ पर जो वेजिटेबल घी है ये क्या होता है, ट्रांस फैट होता है, बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा ही क्या होता है, ये नुकसानदायक होता है। आप इसका ज्यादा यूज करोगे, वेजिटेबल घी का ज्यादा यूज करोगे, वनस्पति घी का ज्यादा यूज करोगे, तो क्या होगा, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए वेजिटेबल घी को क्या करना है, अवॉइड करना है। नोट करो आप इसे। फैट हमारी बॉडी के लिए आवश्यक भी है, आपको पता है फैट तो एक लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। ऑयली चीजें अगर हम इसको नहीं लेंगे तो हमारा जो फेस होगा या हमारी जो स्किन होगी क्या होती है, बहुत रूखी हो जाती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में लेंगे तो बॉडी में क्या होता है, फैट जमा होने लगता है, ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हार्ट संबंधित बीमारी यानी कि हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है या ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए फैट को एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें यूज करना है। ओके, क्या देखा हमने, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, CPFF, ठीक है, प्रोटीन हम बाद में देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट देख लिया हमने, फैट देख लिया, अब फाइबर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फाइबर, रेशा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या काम है इसका, ये क्या करता है आपकी बॉडी में, डाइजेशन सही रखता है यानी कि आपकी पाचन क्रिया को सही रखता है। क्या करता है, पाचन क्रिया को सही रखता है। फाइबर रेशा क्या करता है, पाचन क्रिया को सही रखता है। ये है क्या, सारे रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे पदार्थ जो आप खा सकते हो, कच्चे पदार्थ जो आप खा सकते हो, लाइक खीरा, कुकम्बर, कैबेज, पत्ता गोभी, मूली, टमाटर, सैलेड में यूज होने वाली सारी चीजें जो आप कच्ची खा सकते हो, रॉ वेजिटेबल्स या रॉ मटेरियल्स जो आप खा सकते हो, वो सब क्या कहलाती हैं, रेशा कहलाती हैं, ठीक है। इनमें पानी ज्यादा होता है, ये क्या करते हैं, आपके पाचन क्रिया को कंट्रोल या मेंटेन रखती हैं, फैट को भी ये रिड्यूस करती हैं। ओके, फाइबर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आप इसे नोट कर लो। फाइबर के बाद वाटर हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। विटामिन और प्रोटीन हम लास्ट क्लास में देखेंगे, इसके बाद वाली क्लास में। मिनरल्स है खनिज, ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है, खनिज, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है, आपको पता है, बोलते हैं कैल्शियम लेते रहो नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम क्या है, एक तरीके का खनिज है। तो कौन कौन से खनिज हो गए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में आते हैं वो देख लेते हैं, आयरन, दूसरा है आपका आयोडीन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये चार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयरन, आयरन कहां से मिलता है आपको, गुड़, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां। कहां से मिलता है, गुड़ यानी जैगरी, एप्पल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड़, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है आयरन। क्या करता है ये, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बैलेंस रखता है, यानी कि आपके ब्लड में रक्त में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करता है, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा का संश्लेषण करता है या मेंटेन करके रखता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया, क्या हो जाता है, एनीमिया।
क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाता है आयरन की कमी से होने वाली बीमारी, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि रक्त की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ब्लड की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक डिसीज हो जाती है। ठीक है, सोर्सेस क्या है, गुड़, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां, जब खून की कमी होती है तो इसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। अब आता है आयोडीन। आयोडीन आपको कहां से मिलता है, पहला नमक, ठीक है, समुद्री चीजों का, ठीक है, जितने भी समुद्री भोजन है उनका सेवन करने से क्या मिलता है आपको, आयोडीन बराबर मात्रा में मिल जाता है। अब आयोडीन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपके बॉडी में थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि ये क्या करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, थायराइड क्या करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब उस थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषण करने का काम किसका होता है, आयोडीन का होता है। इसीलिए आपकी बॉडी में आयोडीन की एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में मेंटेन रहे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर, क्या होता है, ग्वाइटर, यानी कि घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कैल्शियम के सोर्स हम देखते हैं, स्रोत कहां से मिलता है, दूध, चना, अंडा, कहां से मिलता है, दूध, चना, अंडा, यहां से आपको क्या मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियां और दांत, ठीक है, यानी कि बोन एंड टीथ क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो कैल्शियम कहां से मिलता है, चना, दूध और अंडे से मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है, दांत और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सेम फास्फोरस की भी कमी से यही होता है, हड्डियां और दांत क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। लेकिन जो फास्फोरस है इसका सोर्स थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सोर्स लिख लो आप, कहां से मिलता है फास्फोरस की अगर हम सोर्स की बात करें तो फास्फोरस हमको कहां से मिलता है, दूध से मिलता है, केला से मिलता है, हरी मिर्च से मिलता है, दूध, केला, हरी मिर्च, ओके, बाजरा, जौ, इन सब चीजों से आपको क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। ये भी क्या करता है, आपकी बॉडी में हड्डियों और दांत को मजबूत करके रखता है। लेकिन जहां इसकी कमी होने लगती है क्या होता है, बोन्स और टीथ क्या होते हैं आपके, कमजोर होने लगते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, फास्फोरस और कैल्शियम आपको लेना है, और साथ ही साथ आयरन और आयोडीन की भी क्वांटिटी अपने बॉडी में मेंटेन करके रखनी है। तो ये है आपका खनिज भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बचते हैं आपके दो टॉपिक, प्रोटीन एंड विटामिन्स। वाटर आपको पढ़ना नहीं है, प्रोटीन और विटामिन्स आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।